करीना कपूर खान की प्रेगनेंसी का ये पांचवा महीना है और ऐसे में उन्हें जहां बेहतर ख्याल रखना चाहिए था वहीं वो अपनी फिल्म की शूटिंग को लेकर दिल्ली आई थी और काफ़ी समय तक वो दिल्ली में रहकर अपनी फिल्म की शूटिंग पूरी करके ही वापस लौटी हैं। इस बीच उन्हें थकान महसूस होने लगी है। आपको तो पता ही है कि सैफ अली खान के प्यार में किस तरीके से करीना कपूर डूब चुकी थी और वो उसके बाद उनसे शादी कर चुकी हैं। वैसे कहा कम ही जाता है कि जो लोग लिव इन में रहते हैं उनकी शादी हो जाती है, लेकिन ये इन्होंने सच करके दिखाया। दोनों पहले लिव इन में थे और उसके बाद दोनों ने शादी कर ली है और आज बॉलीवुड के सबसे खुशहाल कपल में से एक माने जाते हैं। बेबो ने घर वालों से पहले ही कह दिया था कि वो सैफ के साथ भाग जाएंगी। रिपोर्ट्स की अगर बात माने तो करीना के घर वालों ने शादी को लेकर उनकी प्लानिंग को लेकर बहुत ही गुस्सा जताया था। करीना मीडिया की चकाचौंध से दूर रहकर शादी रचाना चाहती थी, ऐसा सुनने में आया था। और उनके जो पापा थे वो बिल्कुल भी इसके लिए तैयार नहीं थे। वो चाहते थे कि किसी और लड़के से उनकी शादी हो, क्योंकि सैफ की पहले शादी हो चुकी थी। करीना ने अपना फैसला सबको सुना दिया था और उसके बाद कह दिया था कि अगर वो लोग राज़ी नहीं होते हैं तो वो लोग कुछ दूसरा कदम भी उठाएंगे। हम आपको बता दें कि करीना कपूर और सैफ अली खान ने बाद में शादी कर ली और उसके बाद अब उन्होंने 8वीं शादी की सालगिरह भी मना ली और दोनों अपने जीवन में बेहद खुश भी हैं और दूसरा बच्चा भी होने वाला है और जिसका 5वां मंथ चल रहा है। और ऐसे में करीना कपूर खान को लेकर घर के सभी सदस्य उनका खूब ख्याल रख रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो लौटी हैं उनके चेहरे पर शिकन आया। उनकी सास शर्मिला टैगोर ने भी सीधे डॉक्टर से संपर्क किया और उनके लिए बेहतर व्यवस्था मुहैया कराई है। उम्मीद है कि करीना कपूर बिल्कुल ठीक हो और उनका आने वाला बच्चा भी स्वस्थ हो। इसी कामना के साथ देखते रहिए बिग स्क्रीन, ढेर सारे कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए।